हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी 12 रबी अव्वल का महीना चल रहा है, तो हम लोगों के घर पास छोटी मस्जिद में पूरा 1 से 12 तारीख तक मिलाद शरीफ होता है और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन हुआ है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चौक। तो मेरे ट्यूशन स्टूडेंट्स की फरमाइश थी, मतलब जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी फ्रैंक हमसे, तो उन लोगों ने बोला कि चलिए मिलाद रखते हैं। तो हमने पिछली बार भी कराया था, उसके पहले भी कराया था, तो बच्चे आपस में ही मिलके खुद ही पढ़ लेते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। मतलब इसी तरीके से थोड़ी सी नेकी मिल जाती है और बच्चों को भी खुशी हो जाती है। तो हमने सोचा कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं, तो उसी के लिए सामान लेना है और हमें मेकअप का भी सामान लेना है। मतलब मेकअप का सामान इतना अर्जेंट नहीं था, लेकिन हमें लगा अगर जा ही रहे हैं मार्केट तो दोनों सामान ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, पहले हम मेकअप का सामान लेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, मतलब दोपहर होने के बाद। और अभी हम आ गए हैं डेकोरेशन के सामान लेने के लिए। मतलब इतना अच्छा लगता है कलरफुल चीज़ें, लेकिन बस ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम हम ले रहे थे इस पर्पज़ से डेकोरेशन का सामान, तो नहीं समझ में आ रहा था क्या लें क्या नहीं। फिर भी हमें जो ठीक लगा हमने लिया। अब देखिए डेकोरेशन कैसा होता है। तो सारी चीज़ें एक शॉप पे मिल गई थी, लेकिन स्टार और मून शेप में एक बलून टाइप था, तो वो एक दुकान पे हमने देखा तो उसका साइज़ बड़ा था, तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर अभी हम लोग उसे ही ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर वो नहीं मिला, तो छोटे साइज़ का ही ले लिया हम लोगों ने। और अभी हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। घर पहुँच के दिखाते हैं हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर और सारे सामान अलीना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से देख रही थी। और इन सब चीज़ों में हम लोगों की तरह अलीना को भी काफ़ी इंटरेस्ट आता है, मतलब जो ऐसी चीज़ें होती है। एक दिन बलून स्टैंड ऐसे ही रखा हुआ था, तो फिर इन्हें लगा फिर कोई फंक्शन है। तो ये सारे सामान, मतलब जब हम वहाँ पे सामान ले रहे थे तो कुछ नहीं सोचे क्या होगा कैसे होगा, बस जो जो चीज़ हमें अच्छी लगती गई वो हम लेते गए। तो वो लोग सैम्पल के लिए लगाए रहते हैं ना, तो बस जो जो चीज़ें हमें समझ में आई हम ले लिए। अम्मी कह रही थी क्या लगाओगी कैसे लगाओगी, हम क्या, हम कुछ भी नहीं जानते, बस जो चीज़ें हमें अच्छी लगी हमने ले लिए। अब ये स्टूडेंट्स ही जो करेंगे वो लोग डेकोरेशन करेंगे, देखिए क्या होता है कैसा होता है, कुछ बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मतलब बर्थडे डेकोरेशन एनिवर्सरी ये सब तो किए हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया भी है, इसका तो आइडिया नहीं है। देखते हैं क्या चीज़ें यूज़ होती हैं क्या चीज़ें नहीं यूज़ होती हैं। तो जो डेकोरेशन है अभी हम लोग इसी वॉल पे करेंगे। मतलब मेरे रूम में यही एक वॉल है जो क्लीन है, इस साइड मिरर है और इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है विंडो की वजह से। खुशी कैमरे से भाग लियो। यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह था, तो ये थोड़ा सा सीलिंग में प्रॉब्लम आ गई है। तो उसको बनवाना था जब भाई जी आए हुए थे, लेकिन वो खाली नहीं थे जो बनाएंगे, तो इस वजह से हमने तभी अपना सर्टिफिकेट निकाल दिया था, तो अभी लगाया नहीं है। तो अब इसी वॉल पे हम लोग डेकोरेशन करेंगे। तो इस फ्लैग पे यहाँ पे थोड़ा प्लेट्स लग रही हैं, तो इसे अभी प्रेस कर लेंगे जिससे अच्छा दिखे।
खुशी एक कैन पकड़ो भैया। नीचे 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 सीधा है ना। अभी इसको फुलाना था, फुलाने के लिए कुछ नहीं था तो फ्रूटी मंगा के स्ट्रॉ से फुला रहे हैं। लो फुला। देखे कौन पहले फुला पाता है। ऐसे पहले ऐसे कर लो ना बीच में। रुक जा, रुकिए लीज में, रुक। फुल रहा है अभी, मेरा नहीं फुल रहा। नहीं है। हाँ हमको लगता है उसमें छेद था, इसमें नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगी ना। हाँ और जब हम ये फ्लैक्स ले रहे थे तो उन्होंने बोला कि मतलब बना हुआ चाहिए कि बना लेंगी, तो हमें लगा कि सिर्फ वो थ्रेड को वो पास करना होगा, लेकिन अम्मी ने बोला नहीं पूरा ये ग्लू से स्टिक होगा फिर लगेगा। तो अभी वही बना रही है, मतलब अम्मी को आइडिया था, हमें नहीं आइडिया था कि ऐसे होता है। तो इसी के साथ अम्मी अपनी बचपन की यादें शेयर कर रही थी। तो जब अम्मी छोटी थी, मतलब पहले जब ईद होती थी, अभी भी होता है लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं होता जितना पहले होता था, हम लोगों के बचपन में भी होता था। तो ईद में ये रोड पे, मतलब हर जगह रोड पे लगी रहती थी, तो मोहल्ले के लोग मिलके बनाते थे। तो जब अम्मी छोटी थी तो मामू के साथ जाती थी, लेकिन वहाँ पे इतने बॉयज़ ही होते थे कि अम्मी को मतलब नहीं बनाने को मिल पाता था। लेकिन मामू फिर थोड़ी ही चाहे लेकिन रात में लेकर आते थे, तो अम्मी उसे बैठ के बनाती थी, फिर उसे घर के कहीं भी किसी भी एरिया में लगा लेती थी। और अभी अम्मी से बना रही हैं, अम्मी बना रही थी और उधर अदीबा, खुशी, अलिशबा, रीना में कंपटीशन चल रहा था कि कौन ग्लू लगा के देगा। तो थोड़ी 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 देर सभी ने किया, मतलब डेकोरेशन करने को हम लोग भी अकेले कर लें, लेकिन जब लेकिन बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं, स्पेशली गर्ल्स। पहले तो बॉयज़ भी इंटरेस्टेड रहते थे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं वो लोग, तो अभी उन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं है, वो लोग तो मस्जिद में बिज़ी हैं। तो बस अभी सबकी हेल्प के साथ साथ डेकोरेशन चल रहा है। और जो अम्मी के एनिवर्सरी पे हमने लाइट्स लाई थी, तो उनका भी हम यूज़ करेंगे जिससे और भी ज़्यादा अच्छा लगे।
बहुत दूर दूर दी है ना। और अभी फाइनली डेकोरेशन हो गया है। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा। मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, हमें भी पता है, फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप लोग मेरा दिल रखने के लिए कमेंट कर दीजिएगा। तो दाल को हमने रात में भिगा दिया था, अभी उसे ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं। फिर फ्राई करने के बाद इसे पीसेंगे और कल फिर इसका लड्डू बनाकर इंशाल्लाह पार्टियां कराएंगे। और हम अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं। आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।